press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to my YouTube channel Altech. चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं एक ब्लूटूथ जिस जो कि अभी ख़राब हो चुका है. इसको हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या ख़राबी हुई है. तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस पावर बैंक से इसको चार्ज करके ये चार्ज होता है कि नहीं होता है. देखिए हमारा पावर बैंक, इसको हम चालू करते हैं. अब इसको हम चार्ज में ला कर देखते हैं कि चार्ज होता है या फिर ऐसे. तो देखिए इसमें एक यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक छेदा दिख रहा है जिसमें कि आपका ये बल्ब जलेगा अगर चार्ज हो रहा होगा तो. तो चलिए अभी हम इसको चार्ज में ला कर चेक करते हैं. तो देखिए दोस्तों, ये अभी चार्ज होने लगा है. तो इसका मतलब ये इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज हो रहा है फिलहाल. अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है. तो चलिए इसको अब चार्ज में से हम निकाल देते हैं और इसके बाद से हम इसको अब ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटरी है और ये यहाँ पे इसका वायर दो बैटरी का और दो ठन स्पीकर का गया हुआ. ध्यान से देखिए इसमें आपको दिख सकता है कि बैटरी का कौन सा वायर है और स्पीकर का. देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें बैटरी और स्पीकर का वायर आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है. ये जो वायर है ये बैटरी का वायर है और ये वाला वायर स्पीकर का है जो हमारे मोबाइल के लेफ्ट साइड में है. वो स्पीकर का वायर नहीं, जो राइट साइड में है वो स्पीकर का वायर है और जो लेफ्ट साइड में है वो बैटरी का वायर है. तो उसके बाद ये दो स्विच दिया है इसका, वो वैल्यूम को अप डाउन के लिए, और ये माइक दिया हुआ है जिसकी बदौलत हम लोग इसको बात करने के काम में ला सकते हैं. अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसका जो मेन स्विच होता है जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ होता है, ये स्विच अभी यहाँ से देखिए ये स्विच बिल्कुल गायब है. वहाँ का जो स्विच जो हम मोबाइल के कीपैड का यूज करते थे, पहले वाले मोबाइल सब का कीपैड जैसे काम करता था बिल्कुल वैसा इसका स्विच दिया है. कीपैड के ऊपर का जो प्रिंट होता है वो उखड़ चुका है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए इस तरह का ही ब्लूटूथ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें. इसका ब्लूटूथ जो है वो मेन जो ब्लूटूथ होता है जिसको कि हम ब्लूटूथ कहते हैं वो ये किट है, इसी को ब्लूटूथ बोलते हैं. देखिए ये छोटा सा जो आपको सर्किट दिख रहा है, देख सकते हैं आप ध्यान से, बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं आपको इसका जो कि ब्लूटूथ जिसको हम कह सकते हैं वो ब्लूटूथ आपको दिखा रहा हूँ मैं. देखिए ये इसका ब्लूटूथ है, ये पॉइंट जो सफ़ेद चमक रहा है, ये ब्लैक कलर का इसका एक आईसी दिया है, उसके सामने ये दिया है, ये ब्लूटूथ है, यही इसका ब्लूटूथ है. तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को.